हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निखिल एक्जोटिक बर्ड पे। एक बार फिर इस बार जो मेरा वीडियो है उसका टॉपिक मैंने बताया आपको कि मैं सन कनोर के पेड़, जब सारा कोर्स हो जाएगा दवाइयों का तो मैं इनको सेपरेट सेपरेट दे दूँगा। तो उसके अंदर मैंने अभी 3 पेड़ को सेपरेट दे दिया, केज ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया है। एक पेड़ का ये बॉक्स लगा दिया है बाहर से, इसके अंदर से एक मेरे जो एक्स्ट्रा मेल है उसको निकाल देना है। और ये जो पास पास बैठे हैं वो पेड़ है, और ये जो एक साइड में है वो एक्स्ट्रा मेल है। और इसके फीमेल ये रही, इसके बस गले पे से हल्के हल्के बाल जा रहे हैं, वो फीमेल है, उसका पेयरिंग अलग कर दूँगा। और बाकी एक पाइनएप्पल का जो पेड़ है वो ये रहा, इसके ऊपर होगोरोमा बजी इसका। यहाँ एक अफ्रीकन ग्रे का मेल है जिसको थोड़ा सा एंटीबायोटिक का कोर्स करवा रहा हूँ, ये रहा। और अंदर की तरफ दिखा देता हूँ मैं आपको, एक केज के अंदर यहाँ मैंने अलग अलग केज दे दिए सबको सेपरेट। सॉरी, मुझे कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती है, मैं बोलते बोलते रुक जाता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। जैसे कि ये पेड़ है, मैंने एक पेड़ ऊपर दिया, एक पेड़ ये रहा और एक पेड़ ये नीचे, सभी को बॉक्स दे दिया। और ये दानी इधर है, ये जो वाइट पेड़ है वो अंदर है। आज के हमें बाहर गया हुआ था थोड़ा सा सिटी से, तो इनको सुबह मॉर्निंग में ही सबको दाना पानी करके गया था, तभी आया हूँ तो चेक कर रहा हूँ मैं इनको। तो अभी सबको सेपरेट दे दिया है, तो देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। और यहाँ पे मैंने इंक्यूबेटर है, ये डेनमार्क का इंक्यूबेटर है, इसके अंदर मैंने कुछ इंडियन गीज के बच्चे रखे हैं, अंडे रखे हैं सॉरी। तो देखिए, इंक्यूबेटर के अंदर मैंने अंडे रख रखे हैं। इसका भी अपडेट, अगर जो रिजल्ट आएगा तो मैं उसका अपडेट आपको डाल दूँगा। ये डेनमार्क का इंक्यूबेटर मैंने केरल से मंगाया था। अभी सब दाना पानी हो चुका है, रानी मेरी बेटा नीचे पेड़ है, इसकी भी दवाई दे दी है मैंने इसको, इसके फेदर आने के लिए। मैं अभी क्या सर्दी का मौसम है इसलिए मैं वो वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। बाकी एलोवेरा और नीम के पत्तों को उकाल के उस पानी का स्प्रे करने से क्या होता है कि ये जो चले गए हुए बाल हैं ना, जो भी फेदर इनके फेदर प्लगिंग से चले जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, और वो टेंडेंसी भी भूल जाते हैं। ये एक पेरियर, एक पेरियर। मैं आपको बाहर से बताऊंगा। अच्छा, मैंने यहाँ क्या है कि इनको 200 वाट का एक बल्ब लगा रखा है, ये देखिए, ताकि हीट इनको ठंड वगैरह नहीं लगे, हीट बनी रहे। चलिए बाहर की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बजी इंतजार कर रहा है मेरा। ये कोकोटेल को कॉलोनी है, सबके अंदर बॉक्स लगा दिए, कुछ तो अंदर आना जाना चालू कर दिया कुछ ने। ये देखिए, ये जावा का कॉलोनी है मेरा, जावा ने भी नेस्टिंग चालू कर दिए, देख सकते हो आप। इसके अंदर उन्होंने घास वगैरह ले जाके जमाने चालू कर दिए। एक बज्जी बाहर आ गई है, शायद सुबह मेरे से पिंजरा खुला रह गया लगता है, इसकी वजह से बाहर आ गई है। मैं इसको पकड़ के अंदर डाल दूँगा। ये जंबो साइज जेब्रा का कॉलोनी है, ये देखिए,
फुल साइज जंबो साइज जेब्रा है, देख सकते हो आप। एक फीमेल अंडे पे बैठी हुई है। इनको नेस्टिंग मटेरियल डालना जरूरी है क्योंकि ये घोंसला बना के फिर अंडे देते हैं, और ये बहुत अच्छा घोंसला बनाते हैं इसके अंदर मेल। तो आप घास का उपयोग कर सकते हो, जो आपके आसपास घास उगती है जो तोड़ के ला के इकट्ठी करके आप इनको डालो, तो ये अपने आप खुद ही घोंसला बनाना चालू कर देंगे मटकी के अंदर या बॉक्स के अंदर, आपने जो दे रखा है प्रोवाइड कर रखा है उनको। अरे कि ये भाई साहब आ गए, ये देख सकते हो। इसको कैमरा इतना पसंद है कि ये कैमरे पे ही आ जाता है। ये देखो कैमरा इसका स्टैंड है बेटा, तो बहुत प्यारा कलर है। ये देखो अच्छा करता हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके की वीडियो आपको अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।